पे बैठल बनी जा, हम भोजपुरी में बात करत हैं। ये रैली ना रैला होके के चाहिए। पटना के गांधी मैदान छोट पड़ी। हमार माननीय विधायक जी गार्जियन भी बानी, लंबा संसदीय यहाँ के जीवन बा, अनुभव भी बा, यहाँ के कहबो की नहीं है। एक बार पर पूरी बाबू वो गांधी मैदान के भरले रही हैं। जेपी जी आ ये बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में एनडीए के जो रैली होके जाता, उनमें लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, माननीय मुख्यमंत्री हमार नीतीश कुमार जी, आदरणीय हमार नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास जी, चिराग पासवान जी, सब लोग के नेतृत्व में हमार दल एनडीए के घटक दल के सब साथी के सहयोग से और वह सब मीडिया के माध्यम से जन जन तक जौन संदेश पहुँच रहा बा या अब पहुँच जाए, तो जन सैलाब जब उमड़ी तो गांधी मैदान का पटनों में जगह कम पड़ी। रहल बात तैयारी के, तो खास करके हमारे जौन एजा नौजवान साथी मित्र, हमार दल के सहयोगी या एनडीए के सारा जुआ साथी, रुआ सबे से खास निवेदन, खास आग्रह रही कि वो दिन हमने के याद करे के बाद कि भोजपुर के कितना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री जी देले रही। जब पिछला बार चुनाव होते रहे तो यही भोजपुर के धरती पर पूरे बिहार खातिर पैकेज के वहाँ के घोषणा की, तो जब ये भोजपुर के धरती के सम्मान प्रधानमंत्री जी देले बने, आज देश के भी मान सम्मान पूरे विश्व में वहाँ के बढ़ेले बने, जो आज चल रहा बा टीवी पर, न्यूज पर पूरा देश देख रहा बा कि कायरता से हमारा देश के सैनिक के धोखा से मार दिल गए। आज 13वीं होत रहे, अब 13वां दिन का भइल बा सब पूरा देश देख रहा बा। तो हर कदम पर प्रधानमंत्री जी हमारे आगे करने के लिए अब हमारे देश को, हमारे बिहार को, तो हमनियों के धर्म बनता कि वहाँ के साहस के और बढ़ाई जा, मजबूत करी जा। तो हमारे कर्पर प्रार्थना बा, यहाँ हमार माननीय विधायक यहाँ प्रभु राम जी बानी, साथ में वरिष्ठ और सशक्त महिला और समाज सेवी हमारी भाभी, प्रदेश स्तर की राजनेत्री श्वेता सिंह जी, हमारे भाई बड़े भाई सूरजभान सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष जी, हमारे दलित सेना के अध्यक्ष जी और हमारे जितने भी एनडीए के साथी यहाँ मौजूद हैं, सबके तरफ से हम आप लोगों के माध्यम से पूरे भोजपुर वासियों से निवेदन आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर और समय से पहुंचकर हम लोग अपने उपस्थिति को वहाँ दर्ज कराएं, ताकि प्रधानमंत्री जी को भी ये लगे कि जो भोजपुर को हमने सम्मान दिया था तो पूरे भोजपुर वासी हमारा सम्मान दिए। रैली जो है वो रैला, इसके पहले बाहुबली अनंत सिंह ने दावा किया था कि पटना को तो क्या अनंत सिंह पे भारी पड़ेंगे हमारे भोजपुरी के बाहुबली? हम देखिए, अब इस विषय वस्तु पर हम ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग किसी के कंपटीटर नहीं और किसी का नाम लिए बिना हम इसलिए बोले हैं कि नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों से जो प्रभाव पड़ा है पूरे देश में, नीतीश कुमार जी के कार्यों से जो लाभ पहुंचा है पूरे बिहार को, और एनडीए पूरे एनडीए के द्वारा किए गए कार्यों से आम जन जन इतना प्रभावित है कि ये रैली रैला के रूप में बदल जाए। अब देखिए, आप लोगों के पास इंच इंच का रिपोर्ट होता है, हम लोगों के पास कुछ कम भी होगा तो आप लोगों के पास तो इंच इंच का रिपोर्ट होता है। अभी हम लोग भोजपुर के धरती पर बैठे हैं और बहुत लंबा दावा करके झूठ बोल के कोई फायदा नहीं, 50,000 का हमने दावा किया था कि भोजपुर के धरती से कम से कम 50,000 की संख्या में लोग गांधी मैदान पहुँचे आए,
इसका प्रयास हम करेंगे और जनता खुद उत्सुक है, कार्यकर्ता साथ ही मित्र ये सब उत्साहित हैं। कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद तो हम लोग को यही था कि विजय संकल्प, लेकिन एक अच्छी खबर जो हमारे देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह हमारे वीर वायुसेना के जवानों ने जो काम किया, रात के 3:30 बजे से शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, तो उसको देखते हुए शौर्य मंगलवार हम लोग मना रहे हैं। उस विजय दिवस को जिसमें 14 फरवरी को जिस तरह उन्होंने कार्यतापूर्ण काम किया था और हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग कमल ज्योति दिवस भी मना रहे हैं, लेकिन ये आज का ये जो समाचार था हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। हम लोग के तीनों इंडिया के तीनों घटक दल यहाँ मौजूद हैं, साथ में मैं महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री होते हुए भी ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री का सहयोग और साथ देने के लिए हम लोग सब कोई मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस तरह के प्रधानमंत्री आप अभी तक कोई नहीं हुआ जिन्होंने सेना को भी छूट दे दी है। अभी तक हम लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे, बहुत नियम कानून थे, लेकिन जिस तरह से ये कार्य किया गया हम लोग को सबको लग रहा है कि अब हम लोग कहीं भी किसी तरह के आतंकी घटना को अंजाम जिस तरह लोग देते थे छुप छुप कर। मैंने एक न्यूज़ में और देखा है कि पंजाब में लोग जैसे कश्मीरी लोग कपड़ा बेचने आते हैं तो महिलाओं को टारगेट करते हैं कुछ लेके पिस्तौल राइफल लेके, तो उससे भी हम लोग को बचना, महिलाओं को खासकर सावधानी बरतनी होगी। अभी हम लोग सबसे पहले 3 मार्च की बात करते हैं, ये संकल्प विजय दिवस है जिसमें कि हम लोग चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में हमारे जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो विजय हासिल करें और उन लोगों के लिए मैं एक शुभकामनाएं भी देती हूँ और उसमें महिलाओं की भागीदारी जितने पुरुषों की रहेगी उतनी महिलाओं की ही रहेगी, इसलिए महिलाओं की तरफ से मैं एक सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं हम लोग हर तरह से अपने माध्यम से हर तरह से उन लोगों को सहयोग करेंगे और हमारे तो प्रिय प्रधानमंत्री हैं ही, उनको भी हम चाहेंगे कि दोबारा से संसद में हमारे वो प्रधानमंत्री ही बने, इसलिए हम लोग का एक अलग से सबके लिए शुभकामनाएं हैं आने वाले प्रत्याशियों के लिए, एनडीए के प्रत्याशियों के लिए कि वो लोग दम निडर है कि महिलाएं भी अब उतनी जागरूक हो गई जितने पुरुष हैं, अब उनको कोई पुरुष नहीं धमका सकता कि आप इसमें वोट डालिए उसमें वोट डालिए, अब वो अपना निर्णय स्वयं करेंगी और इतनी उनमें काबिलियत आ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतनी सारी योजनाएं सब महिलाओं के लिए दी है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, गैस चूल्हा हो, उज्ज्वला गैस चूल्हा हो, तो हम चाहेंगे कि उन लाभार्थियों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर प्रधानमंत्री ने इस तरह से हम लोग को चाहे ये सौभाग्य योजना के द्वारा बिजली की जिस तरह समस्या दूर की गई है, वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि ये सब किसी पार्टी ने किसी ने अभी तक नहीं दिया था, किसी भी सरकार ने, यूपीए सरकार ने, तो इसलिए एनडीए सरकार है जो काम कर रही है और सबका ध्यान रख रही है, हर तरफ हर तबके का, हर जात का, हर लोगों का। और अभी तो हमारे देश के इतना बड़ा आज का दिन शौर्य दिवस हम लोग जिस तरह मना रहे हैं और हमारे यहाँ बैठे हुए जितने लोग उन लोग से भी मैं एक बार जोर से बोलने के लिए कहूँगी वंदे मातरम, वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय। बैकग्राउंड खाली नजर आ रहा है, बैकग्राउंड में कोई आदमी नहीं आ रहा है, नहीं हो पाओगे सब लोग तो मोबाइल लेके खड़ा था। अरे ना हो पाई, नहीं ऐसे ना खिंचाई भारत माता के सपूत अमर रहे।